हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में जानने वाले हैं कि कैसे वर्कर सैलरी शीट बनाया जाता है। मतलब सपोज ये जो वर्कर सैलरी शीट बनाने वाले हैं वो हम लोग छोटे फर्म के लिए बनाने वाले, इसके लिए छोटे फर्म के लिए बनाने वाले हैं। आगे जो मैं पढ़ाऊंगा सैलरी शीट, वो पढ़ाऊंगा कंपनी लेवल्स, जिसके हिसाब से कंपनी लेवल्स। तो चलिए पहले ये छोटा वाला समझ ले, ठीक है, ये वर्कर सैलरी शीट बनाना समझ ले, आगे चल के हम लोग वो भी कर ले जाए। तो चलो ध्यान देना, तो मैंने हेडिंग क्या दिया ये समझने की कोशिश करना। हाँ देखो यहाँ पे वर्कर नेम हमने लिखा है, जितने लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, सर्वेश चौबे, ज्ञानु, आदित्य, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे मैंने क्या किया, डेट मेंशन किया है, मतलब डे मंडे से लेके यहाँ पे संडे तक मैंने यहाँ पे डाटाबेस बनाया है कि जिस जिस डेट को जो आया है मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, मतलब पी से इंडिकेट किया है, जो अब्सेंट है उसको ए से इंडिकेट किया है, जो छुट्टी लिया उसे एल से इंडिकेट किया है। दिख रहा आपको? तो लगभग मैंने इतने लोगों का डाटा बना के रख लिया है और मैं हर हफ्ते में उसका पेमेंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? हर एक हफ्ते में उसका पेमेंट कर देता हूँ कि कितना उनका सैलरी बनता है, वेतन कितना बनता है। तो वो कैसे निकालेंगे यही आज के क्लास में समझने वाले और जानने वाले। तो फिर से समझो, हमारे फर्म में इतने लोग काम करते हैं और मंडे से लेके संडे तक हमने डाटा बनाया है, जो लोग प्रेजेंट है उनको पी से दिखाया है, जो अब्सेंट है उनको ए से दिखाया है, जो छुट्टी लिया उनको एल से दिखाया है। यह क्लियर है सबको? चलिए अब इतना करने के बाद यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट लिखा है टोटल वर्किंग डे। क्या है यहाँ पे टोटल वर्किंग डे? मतलब हमारे यहाँ टोटल कितने दिन काम हुआ है यह हमको निकालना है। मतलब 6 दिन में कितना दिन काम हुआ है, एक हफ्ते में कितना दिन काम हुआ है, या एक महीने में कितना दिन काम हुआ है। मतलब जितना दिन वर्क हुआ है वो हमको कैलकुलेट करना है, निकालना है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला है काउंट ए। क्या जी? काउंट ए। बस हमें सिंपल है, इक्वल करेंगे और लगाएंगे काउंट ए और ब्रैकेट को कर देंगे यहां से ओपे, इक्वल काउंट ए ब्रैकेट को ओपे। यहाँ पे वैल्यू पूछा जा रहा है, वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक, मंडे से लेके और यहाँ पे संडे तक, और ब्रैकेट को हमने कर दिया यहाँ से पर और इंटर। मतलब हमारे यहाँ कितने दिन काम हुआ है, 6 दिन। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके निकल के चला है। मतलब टोटल वर्किंग डे अगर निकालना है बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लगाओगे इक्वल काउंटे ब्रैकेट ओपन, और जो हमने डेट लगाया है, जो डे में मेंशन किया है प्रेजेंट अब्सेंट, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, निकल के चला आएगा। हाँ हाँ? नहीं, ये जो रिपोर्ट हमने बनाया है, ठीक है, परजेंट अपसेंट ये वाला सेलेक्ट करेगा, ये वाला क्या सेलेक्ट समझे? तो कितना दिन काम हुआ है हमारे यहाँ, आ गया ना यहाँ पे, मान लो हमारे यहाँ संडे को भी काम हुआ था, तो ये आप बताएंगे ना कौन परजेंट। देखो 7 दिन हो गया काम, दिया ना आपको, कोई अब्सेंट था, कोई परजेंट था, कोई अब्सेंट, परजेंट, अब्सेंट, परजेंट, 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 परजेंट। तो टोटल हमारे यहाँ काम कितना दिन हुआ, 7 दिन। अब हमको निकालना है 7 दिन में कितना परजेंट, कितना अब्सेंट और कितना दिन लीव, और पर डे हम सैलरी कितना देते हैं और टोटल सैलरी को कितना मिलेगा। चलिए पहले एक तो फार्मूला लिख, चलिए हम लोग निकालते हैं क्या, परजेंट डे, अब्सेंट और लीव डे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग,
इक्वल काउंटी ब्रैकेट ओपे रेंज में क्या करेंगे, मंडे से लेके संडे तक, कामा डबल वर्ड कामा क्राइटेरिया क्या निकालना, प्रेजेंट ना तो पी से इंडिकेट किया इसलिए डबल वर्ड कामा में क्या लिखेंगे, पी डबल वर्ड कामा क्लोज ब्रैकेट बंद इंटर, ऐसे निकल के चला है, कितना दिन प्रेजेंट है, क्लियर है। वैसे अब्सेंट निकालना है तो इक्वल क्या लगाएंगे, काउंटी ब्रैकेट ओपे रे, तो रेंज यहां सेलेक्ट कर लेंगे, कामा डबल वर्ड कामा ए डबल कामा क्लोज ब्रैकेट बंद इंटर और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और ऐसे लिखाना लीव इक्वल काउंटी ब्रैकेट ओपे रे मंडे से लेके संडे तक, कामा डबल वर्ड कामा क्या लीव यल, निकल जाएगा आप आसानी तरीके से निकाल ले जाएंगे। चलिए लिख लीजिए इसको भी, क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे काउंट ब्रैकेट ओपे पूछेगा पहला रेंज कामा और उसके बाद पूछेगा क्राइटेरिया, इक्वल काउंटी ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल डे कामा डबल कामा टी डब्ल्यू कामा क्लोज ब्रैकेट बंद, ऐसे निकाल लेंगे किसके लिए, ये किसके लिए है, प्रेजेंट के लिए, या किसके लिए है, अब्सेंट के लिए, और यह किसके लिए है, बस यहां पे लगा देंगे ए एल, आगे बढ़े। चलिए अब हमको निकालना है कि कितना इस हफ्ते में इनको पेमेंट करना होगा, आप बताओ नहीं निकाल पाओगे, तो यहाँ पे लिखा हूं कि किसी मतलब इनको देता हूँ डेली का 300, इनको 200, इनको 250, इनको 1500, दिख रहा ना आपको, अब इस हफ्ते में कितना देना है इनको तो कैसे निकालेंगे, इक्वल प्रेजेंट जितना दिन आए हैं इनटू क्या पर डे जो देते हैं सैलरी तनख्वाह इनका इंटर 1800 निकल गया, मतलब सारा डिटेल हमसे कोई पूछा तो बता देंगे, बताएंगे 7 दिन काम हुआ था, 6 दिन आए थे, अब्सेंट नहीं थे, लीव लिए थे, पर डे में देता हूं 300 आ गया टोटल जी, ऐसे निकाल लोगे, चलो इसको भी लिख लो आप, क्या लगाओगे, इक्वल प्रेजेंट डे इनटू बस, चलो मान लो यह तो क्या था, एक हफ्ते का है ना जी, कितने का है, एक हफ्ते का, अगर एक महीने का ऐसा निकालना है तो चलो इसके लिए भी बता दे रहा हूँ जिससे आपको आ जाए,
देखो एक महीने का निकाला तो बहुत इजी है, आपको तो ये कैसे इजी है, जैसे एक हफ्ते का निकाले थे ना वैसे एक महीने का निकाल लो। तो सर कैसे, मान लो इसको कॉपी कर ले रहा हो इसको, और दूसरे पे आ जाता हूँ जिसे मैं बता सकूं और पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये हेडिंग रहेगा मान लो। अरे सीरियल नंबर लिखोगे ना कितने लोग काम कर रहे हैं, और वर्कर नेम लिखोगे नहीं लिखोगे, और यहाँ लिख देंगे क्या वन, और यहाँ कर देंगे टू, और क्या करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, कहाँ तक 30 तक आ गया। अब यहाँ पे आने पर मान लो जो या मंथ जो चालू हुआ था किससे चालू हुआ था, मंडे से, समझे। अब बस क्या किया हमने, ड्रैग एंड ड्रॉप सब आ गया सर यहाँ, देखो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे सब आ गया ना, बोलो। अब उसके बाद क्या करेंगे, आल बॉर्डर लगा देंगे, लगा दिया। अब उसके बाद से जितना दिन जो प्रेजेंट है वो लिखेंगे ना, कैसे मान लो ये थे मंडे को क्या थे, 1 तारीख को प्रेजेंट थे, 2 तारीख को अब्सेंट थे, फिर से प्रेजेंट अब्सेंट, ऐसे मान लो थे। मैंने सब इस महीने का पूरा डाटा क्या बना दिया था, ऐसे बना दिया था, और ऐसे तो निकालोगे। अब बस यहाँ पे हेडिंग क्या लिखेंगे, और टोटल बोलो वर्किंग डे लिख देंगे ना, और कितना दिन हमारे काम हुआ है नहीं निकाल पाएंगे, 30 दिन हुआ है तो फार्मूला लगा लो, इक्वल काउंट ए वैल्यू ब्रैकेट बंद आ गया 30 दिन। मान लो हमारे यहाँ संडे संडे को क्या था, छुट्टी था, मान लो संडे वाला हटा देते, 29 हो गया, यहाँ पे कम हो रहा है ना, बोलो। अब ऐसे नहीं निकाल पाओगे प्रेजेंट डे अब्सेंट डे और लीव डे और पर डे सैलरी टोटल सैलरी निकालोगे ना, सिंपल है। देखो मैं बना के रखा हूँ, देखो इसे एक महीने का, देखो ऐसे नहीं बनाया गया, देखो सैलरी नंबर वर्कर नेम मंडे से लेके देखो टोटल वर्किंग डे प्रेजेंट डे अब्सेंट डे लीव डे पर डे सैलरी टोटल सैलरी बस। जब एक हफ्ते का निकाल लोगे तो एक महीने का भी निकाल लो, बोलो। इसमें किसी कोई दिक्कत पूछे हमसे, मतलब एक नार